नमस्कार दोस्तों, एएनवी न्यूज पहाड़ी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में जैसा कि आपको पता है, चुनावी जोर जो है वो अब पकड़ने लगा है और धीरे धीरे जैसे जैसे 30 तारीख करीब आती जाएगी, आरोप प्रत्यारोप और दूसरी भी कई सारी नई चीजें जो है वो निकल कर आएंगी। लेकिन इन सब के बीच में आज हमारे बीच में अविनाश राय खन्ना जी हैं, हिमाचल प्रदेश भाजपा के इंचार्ज हैं और इन्होंने जो है काफी ज्यादा डैमेज कंट्रोल जो भाजपा का हिमाचल प्रदेश में किया है, तो अविनाश राय खन्ना जी को उसका श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने 1-to-1 हर व्यक्ति जो पार्टी के खिलाफ चल रहा था उनसे मुलाकात भी की और उनको पार्टी के साथ चलने के लिए समझाया भी, कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुए हैं। लेकिन जैसे कि जुब्बल कोटखाई का आपको पता है, वहां पर थोड़ा सा जो है वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। तो ये सारे विषय रहेंगे, महंगाई मुद्दा रहेगा, इन सारी चीजों को लेकर खन्ना जी से ही हम बात करेंगे। सर नमस्कार, एनवी न्यूज पार्टी में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप जी, आप मौका देते हो हिमाचल की जनता से जुड़ने का। आप सबका भी धन्यवाद और जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं मेरी तरफ से सबको नमस्कार। वो चाहे उस कंस्टिट्यूएंसी से हैं, यहाँ इलेक्शन हो रहा है नहीं भी हैं, लेकिन मुद्दों के लिए तो सारा हिमाचल जो है वो अपने कान और आंखें खोलकर बैठा है। कौन क्या बोलता है, किस ढंग से बोलता है, अब किसको किसकी याद आई है, लेकिन हिमाचल के देखा है लोग वो बहुत पॉलिटिकल अवेयर हैं। और आपने भी मेरा ख्याल है कि सबको ये कुछ मैसेज देने की कोशिश की है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर सवाल सीधा रहेगा, क्या भाजपा हिमाचल प्रदेश में महंगाई को मुद्दा मानती है या नहीं मानती है? नवनीत जी देखिए, जो महंगाई है वो अकेले हिमाचल में नहीं है, वो ना हिमाचल में है ना और दो चार सेटों में, ये एक इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है। उसके बहुत कारण रहे हैं। उसका कारण दो साल जो लोगों ने कोरोना में फेस किया, जिस ढंग से इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुकी, क्योंकि जीपी जो अपना ग्रोथ रेट होता है वो इकोनॉमी कितनी घूमती है, पैसा कितना घूमता है, जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इन्फ्लेशन का कारण कोरोना भी बहुत मेजर फैक्टर रहा है, तो लोग जानते हैं। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के द्वारा बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है। गरीब का चूल्हा जलता रहे, उसके घर में रोटी पकती रहे, वो खाली पेट ना सोए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने बहुत बड़े उपराले किए हैं। उसका पहला उपराला कि गैस सिलेंडर पहुँचाना 100%। अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश ने एक काम किया है कि धुआं रहित हिमाचल बनाकर लोगों को गैस के सिलेंडर दिए हैं। फिर गरीब कल्याण योजना के तहत हमारी सरकार ने खुले दिल से अनाज को लोगों के घर में पहुंचाया है। सो जो राहत एक सरकार होने के नाते भारतीय जनता पार्टी दे सकती थी, उस राहत को यहाँ पर हमने देने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सर जहां पर सर सवाल मुद्दे हैं जो मैं जी बनाना चाहता हूं, मुद्दे जो हैं वो परफॉर्मेंस ऑफ दी गवर्नमेंट और वहां के कंस्टिट्यूएंसी के अपने मुद्दे भी हैं, मतलब लोकल मुद्दे भी हैं, स्टेट का मुद्दा भी है और नेशनल मुद्दे भी हैं। तो मैं ये कहूंगा कि महंगाई एक मुद्दा इसलिए नहीं है कि हमने उस बात को मैक्सिमम मीट करने की, प्लग करने की कोशिश की है ताकि हर बंदे का चूल्हा जो है वो जलता रहे। लेकिन सर हमने भी थोड़ी सी स्टडी की है महंगाई को लेकर। टमाटर 80 रुपए किलो हिमाचल प्रदेश में है, मटर 120 और 150 रुपए के करीब चल रहा है, सिलेंडर आपको पता है 1000 क्रॉस हो गया है, पेट्रोल 100 क्रॉस हो गया है। तो आपको नहीं लगता कि जो पब्लिक का अंडर करंट है, जो भाजपा की इस समय प्रदेश में गवर्नमेंट है, ये लोगों को कभी कारगिल शहीद के नाम पर उलझाने का प्रयास कर रही है, कभी रावण के नाम पर उलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये जो बुनियादी मुद्दे हैं जिनका अंडरकरंट कहीं ना कहीं रिजल्ट में आपको देखने को मिल सकता है, तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, भाजपा इन मुद्दों से हटकर चुनाव लड़ने का प्रयास किस लिए कर रही है? क्यों भाजपा के नेता महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया ना, आपका क्वेश्चन ही पहला महंगाई के ऊपर था, तो मैंने बिल्कुल सर उसका मैंने आपको जवाब दिया कि ये अकेला शिमला में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, ये एक इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है।
उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने क्या किया है ताकि आम आदमी, गरीब आदमी इसकी जो मुश्किल है उसको फेस ना करे, वो हमने ईज करने की कोशिश की है। बाकी जो सब्जियों के रेट है, जैसे ही नई फसल आती है तो वो रेट धीरे धीरे अपने आप स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। जी तो सर, मतलब आपको ये लगता है कि महंगाई कोई बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं रहने वाली है चुनाव? देखिए, जनता वोट किस लिए डालती है मैं आपको बताऊं, आज ये किसी सरकार को चेंज करने का चुनाव नहीं है। अगर सरकार को चेंज करने का चुनाव होता, जो नई सरकार बनाने का चुनाव होता, तो उस समय जनता की सोच, उस समय लोगों की सोच, वोटर की सोच अलग तरह की होती है। ये जो है बाई इलेक्शन है, ये बाई इलेक्शन मतलब कुछ सीटों पर 24 तक, एक सीट पर 24 तक है और दूसरा दिसंबर 22 तक है। जनता क्या देखना चाहती है कि जो 4 साल में हिमाचल सरकार ने जहां पर काम किए हैं और केंद्र सरकार ने काम किए हैं, उस इलाके में जो पेंडिंग काम है वो और कैसे गति पकड़े, उन मुद्दों पर लोग वोट डालेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ अनाउंसमेंट्स यहाँ पर हुई हैं सरकार की तरफ से, वो अनाउंसमेंट्स को पूरा होना लोग देखना चाहते हैं कि अगर हमने 1 साल के लिए मान लो अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई कैंडिडेट दे भी दिया, वो 1 साल में करेगा क्या, वो 1 साल उस कंस्टिट्यूएंसी का नुकसान होगा। तो वो सोचता है कि मैं वोट जो है वो अपने इस इलाके की विकास के लिए दूं, इलाके के मैं उस कामों के लिए दूं जो काम अभी तक पाइपलाइन में भी है और होने वाले भी हैं। इसलिए बाई इलेक्शन के मुद्दे जो होते हैं वो, अगर तो हाँ एक सीट ऐसी थी जहां पर एक सीट आने से जाने से सरकार को फर्क पड़ता तो चुनाव का माहौल कुछ और होता। आज ना तो केंद्र में किसी सीट का फर्क पड़ना है, ना ही राज्य सरकार में पड़ना है, और सिर्फ जनता के सामने एक ही बात है कि जो 1 साल और रहता है हम मैक्सिमम अपने इलाके के विकास के काम करवाएं। जी सर, जो भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें से बहुत से स्टार प्रचारक ऐसे हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रहे, जिनमें बड़े प्रमुख चेहरे हैं, जैसे प्रेम कुमार धूमल हैं, शांता कुमार जी हैं, अनुराग ठाकुर जी जरूर एक बार आए हैं लेकिन मतलब एक ही बार आए हैं वो अभी तक, है ना। तो और भी इंदु गोस्वामी जो महिला मोर्चा एक बार आए थे, जब नॉमिनेशन हुआ था अर्की में, नॉमिनेशन में उस समय आए थे, मंडी में आए हैं, फिर कोर्ट अपने फतेहपुर में आए हैं, अब सेकंड राउंड उनका फिर शुरू होने वाला है। धूमल जी, हाँ जी बिल्कुल, धूमल जी उनकी मेरी बात हुई है, खुद बात हुई है, उन्होंने भी अपना समय दे दिया है। उनके घर में कोई प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के कारण वो 5-6 दिन उसमें उलझे हुए थे, लेकिन मेरी बात हुई है खुद, उन्होंने कहा है कि आप जैसे ही प्रोग्राम देंगे मैं चुनाव के लिए निकलूंगा। शांता जी ने भी यही बात कही है, कोई ऐसा चाहे उसका सूची में नाम है या नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। मेरी खुद उनसे जो है वो बात हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी बात ना हुई थी तो आपको मैं कहता, मैं नहीं, मैं बात करके बताऊंगा। मेरी खुद धूमल साहब से कल बात हुई है, अपनी डिटेल में बात हुई है, तो तभी मुझे पता चला कि उनके परिवार में कोई प्रॉब्लम थी, तो वो किसी की 2 डेथ उनके यहाँ हुई है, उसके कारण वो अभी नहीं निकले, लेकिन उन्होंने डेट्स मांगी है कि मुझे डेट्स दे दो और मैं उन डेट्स पे जहां जहां पार्टी कहेगी मैं जाने को तैयार हूं। लेकिन सर, ये जो इस समय हिमाचल प्रदेश में सरकार का माहौल है, ऐसे में आपको लगता है कि धूमल साहब जैसे जो या शांता कुमार जैसे जो बुजुर्ग नेता हैं, इनकी कोई जरूरत है क्या इस समय प्रचार में निकलने की? भारतीय जनता पार्टी को एक बूथ पे बैठे हुए कार्यकर्ता की भी जरूरत है और हम उसका मान सम्मान करते हैं। तो ये एक कड़ी है, जब बूथ का कार्यकर्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे नेता जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, जहाँ सरकारें चलाई हैं, बनाई हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात का पार्टी को पता है, सरकार को भी पता है, लोगों को पता है। जी मतलब जरूरत है अभी तक धूमल साहब की? बिल्कुल, वो नेता मार्गदर्शक है हमारे। धूमल साहब के घर पे मैं एक दिन रह के आया, उनसे बातचीत हुई, उनके एक्सपीरियंस से मैंने इस हिमाचल को समझने की कोशिश की। शांता जी के जहाँ जब पालमपुर में चुनाव था, स्पेशली उनके साथ बैठकर वहाँ पर चाय पे बहुत सी बातें हुई, उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताया। जब धर्मशाला में एग्जीक्यूटिव थी तो दोनों नेता जो थे वहाँ पर आए, आपने देखा होगा प्रेजेंट मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों की
एक ज्वाइंट फोटो भी आप लोगों ने वायरल की, इसका मतलब वो बैठकों में आना, पार्टी के कार्यक्रम में आना। और धूमल साहब को मैं खुद देखा है कि जिस दिन मेरा प्रवास था समीरपुर में, एक जिले की बैठक थी, तो वो सारा अरेंजमेंट खुद कर रहे थे। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये नेता जो हैं, ये नेता हमारे फॉर एवर नेता हैं, जो कुछ समय के अनुसार नेता नहीं बने, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, पार्टी को खड़ा किया है, सरकारें चलाई हैं, बनाई हैं, और इनके नाम से लोग जानते हैं। कोई किसी को सड़कों वाला, किसी को पानी वाला मुख्यमंत्री कहलाना, इसका मतलब उस समय जो जरूरतें थी उस हिसाब से उन्होंने काम किए हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। लेकिन सर आपने सेक्रीफाइस की बात की, तो नरेंद्र बरागटा जी का निधन हुआ, वो भी एक इम्पोर्टेंट आदमी थे, क्योंकि जो अपर बेल्ट हिमाचल प्रदेश के उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, क्योंकि धूमल जी के साथ मिलकर उन्होंने बीजेपी को वहां पर स्थापित किया। लेकिन उनके सेक्रीफाइस का रिजल्ट ये निकला कि चेतन बरागटा का टिकट ही कट गया। नवदीप जी, मैं ना पत्रकारों से एक निवेदन करता हूँ, टिकट काटना मतलब होता है अगर टिकट मिल जाए, अभी तो टिकट मिला नहीं उनको, कटना कहां से है। लेकिन सर बीजेपी के जितने भी मंत्री थे, वो बीजेपी के जो मंत्री वहां पर जाते थे, सर बीजेपी के जो मंत्री वहां पर जाते थे, आपने देखा होगा कि चेतन बरागटा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह के जो वह नारे विक्रम ठाकुर, सुखराम चौधरी, ये सभी लोग तीन चार महीने से लगातार कंस्टिट्यूएंसी का दौरा कर रहे थे, और उन्होंने सबने एक तरह से उसको डिक्लेयर कर दिया था कैंडिडेट। मैं पहले आपका जो पिछला क्वेश्चन है उसका जवाब देना चाहूंगा। नरेंद्र बरागटा जी हमारे एक अच्छे नेता थे, उन्होंने दो बार यहाँ से सीट जीती है, और ज्यादातर ये सीट कांग्रेस के लोगों ने जीती है। उनको यहाँ चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी हमने बनाया था, वो हमारे नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक ऐसी सेफ बेल्ट है जहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। जहाँ तक उनके बेटे चेतन का प्रोजेक्शन है, मैं खुद भी बड़ी मीटिंग में गया था, तो उस समय भी किसी ना किसी नेता को कहना कि जा कहना कि आप भाई तैयारी रखो, पार्टी हो सकता है कि आपको टिकट दे, लेकिन कोई बंदा ये नहीं कह सकता हमारी पार्टी में कोई भी लीडर के टिकट आपकी है, जब तक पार्लियामेंट बोर्ड या सेंट्रल इलेक्शन कमेटी डिक्लेयर ना कर दे। एक सिस्टम है, उस सिस्टम से हम चलते हैं। आपने देखा होगा कि आप फतेहपुर के बारे में भी तरह तरह के विचार कर रहे थे, और अर्की के बारे में भी तरह तरह के विचार कर रहे थे, मंडी के बारे में, और आपने कोटखाई तो कह ही दिया था उसकी है, लेकिन जब पार्टी ने अपना डिसीजन लिया, मंडी में खुशहाल सिंह जी को आगे लाए, शायद आप सबके लिए एक हैरानगी की बात थी। आप चर्चा में थे, महेंद्र सिंह जी आएंगे, गोविंद ठाकुर आएंगे, या ये को आएगा और को आएगा, और यही अर्की में रतन जी आएंगे, या गोविंद जी आएंगे, या आशा परिहार को दिया जाएगा। फतेहपुर में चार पांच लोगों के नाम आ रहे थे, लेकिन जैसे ही पार्टी ने एक व्यक्ति को टिकट दिया, तीन सीटों पर कार्यकर्ता उस कैंडिडेट के साथ पूरी तरह चलने के लिए तैयार है और चला हुआ है। जहां फतेहपुर की बात है, मैं आपको एक बात बता दूं, वहां पर मुश्किल जरूर आई है हमें। जो बरागटा जी ने मंडल बनाया था, नेचुरली व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, वो मंडल उन्होंने धीरे धीरे रिजाइन किया, लेकिन आज मैं आपके द्वारा फिर कहना चाहता हूं, हमने फैसला लिया है कि अगर कोई चुनाव के समय पार्टी के साथ धोखा करता है, पार्टी से छोड़ता है, तो आने वाले समय में परमानेंटली पार्टी के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। आज वो पार्टी नहीं कि सुविधा के अनुसार आप काम करो, सुविधा के अनुसार ना करो, ये 24 घंटे जो है पार्टी में काम करने वाले लोग आज तैयार हैं। आज आप स्थिति देखो, दो दिन पहले क्या स्थिति थी, क्योंकि हम भी जानते थे 13 तक विड्रॉल है, उसके बाद दशहरा है, 15 के बाद हमें मालूम था ये चुनाव उठेगा। अब 34-35 हमारे शक्ति केंद्र है, वहां पर 128-129 बूथ हैं। आज वेरीफाई करके देखिए, हर शक्ति केंद्र पर, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। आज रैलियां हो रही हैं, आज डोर टू डोर कंपेन हो रही है, आज बैठकें हो रही हैं, और मेरे सहयोगी संजय टंडन जी वहां पर जाकर कार्यालय खोल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। वहां का जो माहौल है आज वह बिल्कुल बदल चुका है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बात मैंने पहले की है कि लोग रहते हुए काम इस एक साल में करवाना चाहते हैं, और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे,
वो अपने कंस्टिट्यूएंसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते कि अगर हमने एक ऑपोजिशन में एमएलए दे भी दिया तो उसका सरकार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उनको मन में ये बात है कि अगर हमने कहीं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ना दिया तो जो विकास की गति चली हुई है उसमें कहीं रुकावट ना आ जाए, ये सोचकर वहां के लोग जो है वो वोट डाल रहे हैं। सर, मंडी में आपको क्या लगता है, जो प्रतिभा सिंह को घेरने में क्या भाजपा कामयाब हुई अभी तक? नवदीप जी देखिए, पहले की बात मैं बताता हूं कि कहते ना सिर मुनाते ही औले पड़े, वो बात वहां हुई है। बानी जो है, जो शब्द अपने मुंह से निकलता है उसके ऊपर नेताओं का बहुत बड़ा कंट्रोल रहना चाहिए। कारगिल युद्ध, जिसके लिए मैं समझता हूं कि हमारे हिमाचल के 52 शहीदों ने अपना शहादत दी और कई इंजर्ड हुए, उस युद्ध को बड़े लाइट से लेना जैसे किसी एक खेत और दूसरे खेत का झगड़ा हो गया हो कि पाकिस्तान के कुछ लोग आए थे उनको खदेड़ना कोई बड़ी बात है, जबकि आपको गर्व होना चाहिए कि कारगिल का हीरो आपके स्टेट से है और वो चुनाव लड़ रहा है। फिर दूसरी बात, माफी मांग ली, ठीक है, फिर और क्या दे दी एप्लीकेशन एक कि जी इनकी टोपी और मेडना लगाओ। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था ये टोपी खुशहाल जी ने बाजार से नहीं खरीदी, ये मेडल कहीं से परचेज नहीं किए, उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान जो सेक्रीफाइस किया है ये टोपी उनको इसलिए मिली है और ये मेडल इसलिए मिले हैं। तो इन बातों के कारण मैं समझता हूं कि वो बहुत बैकफुट पर गए। एक शहीद, आपका चाहे रिश्ता हो ना हो लेकिन देश के कारण आपका भी उससे रिश्ता है। तो लोगों को जब मैं मिला तो उन्होंने कहा भाई साहब हमें बड़ा दुख है कि अगर नेता अपने इन शहादत देने वाले लोगों का मान सम्मान नहीं कर सकते तो वे एक वोटर का मान सम्मान क्या करेंगे, एक वोट जो उनको डालेगा उसका मान सम्मान क्या करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो पूछते हैं लोग कि 14 साल, 2 बार, 10 साल प्रतिभा जी को मौका दिया गया। मेरे साथ भी वो मेंबर पार्लियामेंट थे, मैं 14वीं लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट था, मैंने सिर्फ उनको एक बार बोलते देखा है। 10 सालों में उन्होंने यहां पर काम क्या किया, एक बार लोगों ने, दूसरी बार लोगों ने उनको एमपी बना के भेजा, आज लोग पूछते हैं कि 2 चांस देने के बाद अब तीसरा चांस क्यों। हम उस व्यक्ति को चांस देंगे जो नरेंद्र भाई मोदी के साथ जाके बैठेगा और जो हमारे मसले हैं उनको हल करवाएगा। अगर हमने कांग्रेस को वोट दे भी दिया, 10 साल हमने जिसको टेस्ट किया है हम दोबारा उस पर विश्वास नहीं कर सकते। ये कारण है कि वहां के सर लोग जो हैं वो अपना मन बनाई बैठे हैं। ठीक, सर एक सवाल ये रहेगा कि आपने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, जो बागी लोग थे उनको मनाने का प्रयास आपने किया एक तरह से, अनिल शर्मा क्यों नहीं माने सर? क्या क्या ढील रहेगी? क्योंकि आज उन्होंने, आज जो प्रतिभा सिंह का बयान आया एक तरह से, और आश्रय शर्मा जिस तरह से आज प्रचार में निकले हैं, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जाएंगे वो प्रचार में, लेकिन जिस तरह से आज वो निकले हैं और प्रतिभा सिंह का बयान वहां पर आया कि अनिल शर्मा ने बोल दिया है कि आश्रय शर्मा प्रचार करेंगे आपके लिए, तो एक संदेश तो वहां से निकल गया कि अनिल शर्मा जो है अब भाजपा के लिए काम नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं माने देखिए वो आपसे? आपकी लंबी मीटिंग उनके साथ हुई है, महेश्वर सिंह से भी आप मिले हैं, और भी काफी लोगों के साथ आप मिलते रहे इस दौर में, लेकिन कोई बड़ी, बहुत बड़ी सफलता जो है वो मिली नहीं इस विषय पे। मैं कहां से शुरू करूं बताओ, मैं उस सब बताता हूं, अनिल सब शर्मा बताता से हूं। सर। अनिल शर्मा से ना, देखिए जी सीएम ने एक बयान दिया था, उस बयान का मतलब भी आप समझते हैं कि हमारे पास अब मंत्री पद कोई खाली नहीं है, बिल्कुल कहा था ना, ठीक। अब जो व्यक्ति इस कंडीशन पे आए कि जी मुझे पहले मंत्री बनाओ फिर मैं प्रचार करूंगा, तो शायद हमारी पार्टी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन हमारे एमएलए हैं, वो अभी आशा करते हैं कि जितना भी उनकी कैपेसिटी है, जितना भी वो सोचते हैं, वो पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की है। अब अर्की लेकिन सर में काम भी नहीं किया। नहीं, काम कितना करेंगे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमने तो उनको एक मान लेकिन सम्मान सर फिर, दिया है, उनको लेकिन एमएलए बनाया है। भाजपा 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 डिसिप्लिन्ड पार्टी है, और एक विधायक जो है वो ऐसे बेला बैठा रहेगा तो कैसे चलेगा काम? जवाबदेही तो सबसे ज्यादा आपकी बनेगी। हाँ, जिस समय बताएगा ना हम क्या करने वाले हैं। जी
क्योंकि एक सर आपने अभी पीछे बोला था कि अपनी वाणी पर जो है संयम रखें लोग, नेता लोग, लेकिन सर एक सोशल मीडिया में आपने भी देखा था कि पवन राणा जो संगठन मंत्री हैं उनका एक जो है उन्होंने एक संदेश डाला था सिंपल सा अपने सोशल मीडिया पे, लेकिन कृपाल परमार जो है जिनका टिकट कटा उन्होंने एक जवाब दे दिया, और उसके बाद फिर एक पूरी जो चैट है वो सोशल मीडिया में लीक होगी जिसमें कई तरह की बातें उस चैट में थी जो हम यहाँ पर भी नहीं बोल सकते हैं। तो सर ये तो भाजपा के यहाँ शीर्ष लोगों के लोग हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे कई लोग कुछ कोट डालते हैं अपने ट्विटर पे, वो बिल्कुल कोट कोई उनका मन से नहीं होता, वो कोट कहीं ना कहीं की महापुरुष का है, किसी अच्छे व्यक्ति का कोट है। अब समझने वाला क्या समझता है ये उसकी समझ पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होने चाहिए था। आपने मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, ये बात घर की बात बिल्कुल होती है। अगर उनके मन में लगा कि शायद उन्होंने समझ लिया कि मुझे कहा गया है, ऐसा मैंने प्रबंध से बात की, कहते मेरा मन नहीं था, वो कोर्ट एक आया तो मैंने उसको ट्वीट कर दिया, तो ऐसी जी बात नहीं होनी चाहिए। मैं जो समझता हूं कि ये अच्छा साइन नहीं था। हाँ। एक सर सवाल और था इस कोर्ट को लेकर कि फतेहपुर में एक नारा चला चक्की पार का, उसमें कृपाल परमार का टिकट कट गया। उसके बाद फतेहपुर में एक नारा और चला ज्वाली पार का, लेकिन उसमें बलदेव ठाकुर को टिकट कट गया, टिकट मिल गया। तो फिर कृपाल परमार का टिकट काटने का क्या फायदा हुआ जब बलदेव ठाकुर भी वहां का लोकल बिशिंदा नहीं है, कृपाल परमार भी लोकल बिशिंदा नहीं था, और जो लोकल थे उनको भाजपा ने टिकट दिया नहीं, तो फिर इस टिकट को काटकर बलदेव ठाकुर को देने का क्या लाभ भाजपा को हुआ होगा यहाँ पे? जी नवीद जी, क्या भारतीय जनता पार्टी नारों के बेस पर टिकट देती है? एक ने नारा लेकिन बोल सर दिया बोला बाकी तो पूरी यही गया पार्टी टिकट काट कि दी, ऐसा नहीं होता। देखिए क्या है सिस्टम, मैं बताता हूँ, मैंने पहले भी कहा है, मतलब कई चैनल होते हैं, आप जैसे लोगों की भी हम राय लेते हैं। कई बार फोन करके आपसे भी मैंने पूछा होगा कि भाई साहब बताओ क्या क्या जहाँ चल सकता है, तो मंडल, जिला, प्रदेश, फिर हमारी एनसीस, उन सबके सर्वे में जो विजिबिलिटी होती है उसको हम लोग आगे लाकर टिकट देते हैं। और बहुत लोगों ने कहा था कि देखो नहीं मिल सकती बलदेव को टिकट, लेकिन क्योंकि मंडल जो है वो परमार जी के हिसाब से बना हुआ है, काम नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विजिबिलिटी के हिसाब से वो टिकट दिया। अब जो आपने नारा कहा है बलदेव जी के बारे में, वो बिल्कुल चुनाव ज्वाली पार पूरा तेज हो गया, नॉमिनेशन हो गया, विड्रॉल का टाइम खत्म हो गया, अब दो लोगों ने एक छोटा सा पोस्टर लगा दिया कि जी ये भी बाहर के हैं। अब बाहर के लोग कौन हैं, जो हवा से आए हैं, या एक कार्यकर्ता जो हर समय लोगों के बीच में रहा है वो बाहर का है? पिछली बार बलदेव जी ने तीसरे नंबर की बोर्ड ली थी, अगर बलदेव जी ना खड़े होते तो शायद हम जीत जाते, लेकिन तीसरे नंबर की बोर्ड ली थी। अगर उस समय ये नारा नहीं चला तो आज जे कुछ ही लोगों ने शरारत करके इस नारे को चलाया है, इसका कोई महत्व नहीं है। आज भी मेरी बात हुई, कल मैं जा भी रहा हूं फतेहपुर, ये चुनाव हम बड़े बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। और एक बात बता दूं, मैं आज सुजान सिंह का एक अपना एक व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी थी, उनका बिल्कुल बेटा एक वीरो वो उससे आया है, मैनेजमेंट से आया है, अफसर बन के आया है, लाखों रुपया कमाने वाला है। अब उसका बयान सुनो क्या है, अगर किसी नेता को पूछे चुनाव में कि भाई साहब ये सड़क नहीं बनी, तो कहेगा जी हाँ मैं बना के दूंगा, मैं सरकार से बात करूंगा। देखो खड्डे कितने हैं, हाँ भाई बहुत बुरी बात है, वो सरकार को घेरता। तो वो कह रहे हैं कि एमएलए का काम ये खड्डे भरवाना है, आप और को काम करवा नहीं सकते, खड्डे आप भरवा नहीं सकते, तो फिर एमएलए बनना किस लिए है आपने? जी सही बात है आपकी। सर एक सवाल और भी था कि आपने हाल ही में एक जो है वो घोषणा की है कि जो भी बागी हैं वो पार्टी छोड़कर जाएंगे तो उनको वापस नहीं लिया जाएगा। ये घोषणा है सर अमूमन जब भी चुनाव होते हैं लोग छोड़ के जाते हैं तो उनको लेकर की भी जाती है। जो आपके साथ उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद ठाकुर जी बैठे थे उन्होंने भी पार्टी छोड़ी थी, उनकी भी वापसी हुई है उसके बाद। और इसी तरह बलदेव ठाकुर को आपने टिकट ही पकड़ा दिया इस बार, जो जिन्होंने जिनकी वजह से पिछली बार भाजपा का उम्मीदवार हारा था। और ये जो टिकट आवंटन था इसको लेकर ये भी माना जा रहा है जैसे गोविंद राम शर्मा हो गया, कृपाल परमार जी हो गए, और अपना चेतन बरागटा हो गया, इन सभी लोगों के टिकट कटे हैं। ये भी मानते हैं लोग कि धूमल गुट का समर्थन जो है वो इन लोगों को ज्यादा था, उसकी वजह से टिकट कटे हैं। तो सर इसको लेकर क्या आप कहेंगे? और ये जो पहला नवनीत जी, सवाल था कि हर बार सर ये जो पहला सवाल था कि हर बार
बागियों को लेकर भाजपा इसी तरह के बयान देती है, और उसके बाद जो है वो जो बागी होते हैं कभी आपके साथ बैठे होते हैं भाजपा में वापिस आकर, कभी मुख्यमंत्री के साथ भी होते हैं, कभी उनको टिकटें भी मिल जाती हैं और कभी वो जीत भी जाते हैं। तो सर ये ड्यूल स्टैंडर्ड क्यों है चुनावों से पहले और बाद में? मैं हाँ एक बात ना आपको क्लियर करूं, आगे से भी मेरा ख्याल आप उस शब्द को अपना अमेंड करके कहेंगे, टिकट मिल गई फिर कट गई, फिर तो टिकट काटना हो गया, अब तो टिकट उनको मिली नहीं थी, काटी कैसे हमने। दूसरी बात जो बात आपने कही है ना कि पहले ऐसा हुआ फिर वो वापस आ गए, मैंने जो बयान दिया है मैंने अपने आने के बाद दिया है। हमने अपनी कोर कमेटी में फिर एक्सटेंडेड ग्रुप में ये निर्णय लिया है कि जिसने भी इलेक्शन के दौरान पार्टी छोड़ी उसको पार्टी में नहीं लिया जाएगा। आप भी नवदीप यही हैं, मैं भी यही रहूंगा, आशा करता हूं कि अगला चुनाव करवा के जहां से जाऊंगा अगर मेरी ट्रांसफर नहीं होती तो आपको ये सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा कि आपने इस बंदे को क्यों लिया। अभी भी समय है, जो लोग किसी पार्टी से आराम से चुप करके बैठे हैं, पार्टी छोड़ी है, वो अगर चुनाव के दौरान में पार्टी का काम करते हैं तो उनके साथ जो है पार्टी वही व्यवहार करेगी, वो वर्कर का होता है। अगर उन्होंने चुनाव में काम नहीं किया, पार्टी छोड़ के चले गए, तो फिर पार्टी के दरवाजे बंद हैं। जी सर एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि आपने इतना टाइम हमें दिया है, कि आपने एक और घोषणा की है कि जो भी परिवारवाद के अनुसार जो है वो बीजेपी अब टिकट नहीं देगी, मतलब जो भी नेताओं के आगे बेटे हैं उनको टिकट पार्टी नहीं देगी, इसका सर यही मतलब निकलता है ना जी? देखिए ऐसे है, जैसे कोई एमएलए है अभी, उस एमएलए का बेटा टिकट मांगे, या कोई मंत्री है उसका बेटा टिकट मांगे, उसका उसको टिकट नहीं मिलेगा। जैसे बराटे केस में वहां उसके पिताजी की डेथ हुई, वहां से एमएलए थे, तो उसके परिवार को आगे नहीं मिलेगी। ये मतलब है परिवारवाद हमारी पार्टी में नहीं चलेगा अभी। मतलब जो नहीं नहीं मतलब ये क्लियर हो गया कि जैसे बरागटा जी के बेटे को टिकट नहीं मिला, कल को चाहे कोई भी, जैसे राकेश पठानिया जी का बेटा है फ्रेश मंत्री है, वो भवानी सिंह, वो भी काफी एक्टिव है, तो वो भी टिकट की दौड़ में कहीं नहीं है, भाजपा जिसको चाहेगी उसको टिकट देगी आगे। नहीं भवानी सिंह तो हमारा नहीं है ना? नहीं नहीं भवानी सिंह जो राकेश पठानिया जी का एक बेटा है भवानी सिंह, अच्छा, वो काफी वो भी काफी एक्टिव है वहां पर, तो मतलब जो अगली जो पीढ़ी है वो अब ये गारंटी ना ले कि भाजपा जो है उनका बाप मंत्री है तो उसके बेटे को जरूर टिकट मिलेगा। नवनीत जी मैं राजनीतिक परिवार से नहीं हूं, अगर मैं आज यहां पहुंचा हूं तो शायद ये कहीं ना कहीं पार्टी की वो पॉलिसी रही है कि आम परिवार से भी बंदे को आगे लेके आना है, कार्यकर्ता को आगे लेके आना है। अगर परिवारवाद ही चलता रहता पार्टी में तो मेरे जैसे लोग भी शायद मंडल पे काम करते, जिले पे काम करते। इसलिए पार्टी ने एक नया रास्ता, एक नया ऑप्शन खोला है कि कम से कम एक जो पार्टी हमने कही हिमाचल में थोड़ी है, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, राजस्थान में जो जो लोगों की अभी डेथ हुई उनके बच्चों को टिकट कहीं नहीं दिया। तो ये एक नया प्रयास है ताकि नई पीढ़ी, नए लोग आए। अब देखिए कोटखाई में जो महिला आई है, एक तो वहां पर सबसे ज्यादा नंबर महिलाओं का है, दूसरा वो एक कार्यकर्ता है, वो कहाँ से उठी, एक सरपंच और बार बार सरपंच बनी, जिला परिषद दो बार जिला परिषद मेंबर बनी, उसका एक राजनीतिक कैरियर है और महिलाओं के काज के लिए वो लड़ रही है। तो वो एक नेता भी है और एक कार्यकर्ता भी है, वो किसी उसका बाप उसका दादा कहीं भी एमपी या एमएलए नहीं रहे, एक साधारण परिवार से एक साधारण कार्यकर्ता आगे आए, उसके लिए इस परिवारवाद का शब्द जो है वो यूज किया गया है। और आशा करते हैं कि अगर पार्टी ने निर्णय लिया है ये आगे भी चलेगा। जी सर एक अंतिम सवाल, महिलाओं की आपने बात की तब मेरे दिमाग में आया कि एक महिला जनरल सेक्रेटरी है इंडिया महिला मोर्चा में, इंदु गोस्वामी, तो सर उनकी ड्यूटी चुनाव प्रचार में असम में भी लगी, उनकी ड्यूटी नॉर्थ ईस्ट में भी लगी, कभी वो मध्य प्रदेश भी गई, यूपी भी गई, लेकिन हिमाचल में जब जब चुनाव होते हैं, हालांकि कांगड़ा में ब्राह्मण लीडर का इतना बड़ा गैप भाजपा के पास है और एक बहुत बड़े गैप को वो फुलफिल कर सकती है कांगड़ा जिला में, लेकिन उसके बाद भी
अभी तक जो है उनकी सेवाएं जो है वो हिमाचल प्रदेश में, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों की बात कर लो, जो हालांकि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए थे पालमपुर में, बहुत बड़ी हार भाजपा की वहां पर हुई थी। अब जैसे प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, वो महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी रही है हिमाचल प्रदेश में, तो वो भी गायब है सर हिमाचल प्रदेश के इस प्रचार से। नहीं, गायब नहीं, हालांकि प्रतिभा सिंह का है जी। पालमपुर में मैं और उन्होंने जो इकट्ठे प्रचार किया था, उस समय वो असम में थी, वहां से बुलाकर पालमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दोनों ने की और उनको कुछ स्पेसिफिक काम दिए, उनको वो मिलके आई, जो जो मैंने कहा वो काम करके ही। अभी उनकी ड्यूटी मंडी में लगी है, वो जैसे ही अपने कुछ कार्यक्रम खत्म करके हिमाचल में आएगी तो मंडी उनको दिया गया है, वहां वो काम करेगी और डेफिनेटली करेगी। आप जल्दी ही उनको अपने चैनल पे कभी इंटरव्यू करना, जरूर देखेंगे। लेकिन सर बार बार उनकी अनदेखी तो होती है, तो आप मानते हैं कोई ना कोई मतलब गुटबाजी तो बीजेपी में कहीं ना कहीं है? देखिए, अनदेखी कोई नहीं भाई साहब, नवनीत जी जी वो हमारी ऑनरेबल मेंबर ऑफ राज्यसभा है, वो ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी है, और आपको एक और बता दूं, वो कम से कम 10-12 प्रदेशों को देख रही है। अभी अभी उनको चंडीगढ़ का चुनाव का भी प्रभारी सह प्रभारी लगाया गया है, अनदेखी कैसी? अभी हम उनको मंडी में नहीं, तो वो तो प्रदेश के बाहर लगाया जा रहा है ना, प्रदेश के अंदर तो बिल्कुल बाहर रखा जा रहा है उनको। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी आप बुलाएंगे उसको इसमें मंडी में, उनका ड्यूटी लग गई, उनको साइन हो गया काम, वो आएंगे जी। चलो थैंक यू सर, 5 मिनट आपसे फालतू हो गए आज, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, काफी बड़ी जानकारी आपके माध्यम से बीजेपी की हमारे लोगों के पास, जो हमारे दर्शक है उनके पास भी पहुंचती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद नवनीत जी, थैंक यू जी। आपसे इंटरव्यू करके एक मजा ये रहता है कि बड़ी पीसफुली शांति से काम सारा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।